है ना कोकम्बर के अंदर इन्होंने प्लांट्स दिए जिसकी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, आपको सही पता है कि वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव ग्रोथ पर जाने के लिए पौधे को क्या चाहिए? स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए उसमें। एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए। वो शॉर्ट डे भी हो सकते हैं, वो लॉन्ग डे भी हो सकते हैं, वो हाई टेम्परेचर भी हो सकता है, वो लो टेम्परेचर भी हो सकता है। ऐसा ही है। जी सर। हेलो, हाँ जी सर। ठीक है। अब इन्होंने इन्होंने क्या किया, जो वेजिटेटिव ग्रोथ उनकी कंप्लीट हो चुकी थी, उनको इन्होंने क्या किया कि चार ग्रीन हाउस लिए। एक ग्रीन हाउस के अंदर 16 आवर लाइट कर दी ठीक और है 8 आवर डार्कनेस कर दी। तो इसका सही। मतलब क्या होगा? लॉन्ग डे शॉर्ट डे, ये लॉन्ग शॉर्ट डे। डे शॉर्ट नहीं डे नहीं कैसे लॉन्ग हो डे सकता सिक्सटीन है? लॉन्ग डे 16 आवर लाइट है अच्छा, तो शॉर्ट डे लॉन्ग डे है ये। ये लॉन्ग डे हो गया, ठीक हो गया, ये एन हो गया इसका, लॉन्ग जी डे। अच्छा, लॉन्ग डे और टेम्परेचर है 28 डिग्री सेंटीग्रेड डे टाइम और रात को है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर है हाई। ठीक पहली कंडीशन क्या है जिसके अंदर टेम्परेचर है हाई 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 टेम्परेचर और लो होता है? लॉन्ग डे है। अच्छा, फिर दूसरी कंडीशन क्या है? 8 आवर्स शॉर्ट एंड डे 28 डिग्री, शॉर्ट डे और हाई टेम्परेचर। ठीक है। उसे कह दिया इसने हाई टेम्परेचर और एस का मतलब शॉर्ट डे, एच एस का नाम दे दिया इन्होंने। फिर ठीक है तीसरी कंडीशन के अंदर लॉन्ग डे और लो और लो लाइट, टेम्परेचर लाइट। लो एल एल, ठीक दोनों लॉन्ग डे और लो लाइट, ठीक हो गया। और सर। लास्ट वाली कंडीशन थी जिसके अंदर 16 आवर्स, जो 8 आवर लाइट शॉर्ट डे विद लो टेम्परेचर, शॉर्ट डे विद लो लो टेम्परेचर, टेम्परेचर ठीक हो गया। अब इन्होंने चेक किया है कि इस कंडीशन के अंदर, फिर इन्होंने ना कुछ अरसे के बाद उस एपिकल मेरिस्टेम के टिश्यू के अंदर इन्होंने जीन एक्सप्रेशन का डाटा भी लिया, ठीक नॉर्मल जो एनसीबीआई जीन, और दूसरा माइक्रो आरएनए का डाटा भी लिया। है सर। नहीं लगी समझ? आगे सर समझ इन ये जो चार डिफरेंट वो दिए थे एनवायरनमेंट दिए थे उन पे फिर जीन एक्सप्रेशन का डाटा लिया था। एग्जैक्टली, इन चारों के ऊपर जियो एक्सप्रेशन का भी लिया डाटा और माइक्रो आरएनए का भी डाटा लिया, ठीक ठीक हो है गया। जी अच्छा, सर। अब इनका मेरे इनका था कि एक इन्होंने अब मालूम करने है कि कौन कौन से माइक्रो आरएनए प्रोड्यूस हो रहे हैं, जी ठीक है। सर। और दूसरा एक्सपेरिमेंट के अंदर एक तो दूसरा डबल फायदा ये हो रहा है कि इसको इसी कंडीशन को मैं जीन एक्सप्रेशन का डाटा, माइक्रो आरएनए के साथ साथ जीन दोनों काम एक एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंट। भी। एग्जैक्टली, अब ये कंपेयर करेंगे कि अगर तो किसी जीन का एक्सप्रेशन हाई है, ठीक सर। अगर किसी जीन का जीन एक्सप्रेशन हाई है और भी उसके माइक्रो आरएनए का टाइटल लो है या है ही नहीं है, तो ठीक इट मींस दैट दिस जीन इज गुड फॉर एट दैट कंडीशन और फॉर फ्लावरिंग डेवलपमेंट। ठीक। अच्छा माइक्रो आरएनए लो नहीं लगी है समझ? तो पावर इनिशिएशन होगी सर। इतनी वो जीन ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है, वो अपना ज्यादा काम कर रहा है, अगर माइक्रो आरएनए का लेवल ज्यादा है और जीन एक्सप्रेशन लो होगा, ये दोनों वाइस वर्सा है, ठीक ठीक है सही समझ आ गई सर। फिर है। जीन अब कोई और जीन एक्सप्रेस हो रहा है तो उनका फंक्शन भी तो अलग होगा। कोई और फंक्शन होगा किसी और जीन का ये भी हो अभी सकता है आप सर। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ये देखिए, क्या कह रहे दोबारा? सर मैं कह रही हूँ कि अब क्या इसके इस एक्सपेरिमेंट के अंदर फ्लावर से रिलेटेड
जीन्स हैं या फिर हमें बाकी जीन्स भी इसके अंदर हैं वो भी स्टडी करने हैं। यही आपने चेक करना है कि ये जो इसके जो जीन्स है क्या उसका कोई फ्लावरिंग से रिलेटेड कोई रोल है कि नहीं। सही सर, ठीक है। यानी कि जब माइक्रो आरएनए का लिखेंगे तो ये भी लिखें, साथ ये भी बताएंगे कि हाँ ये सप्रेस हुआ है तो ये वाला जीन सप्रेस हुआ है, अगर माइक्रो आरएनए सप्रेस हुआ तो कौन सा जीन सप्रेस हुआ, और उसका फंक्शन भी ये बताना साथ। सर 3-4 फायदे हो गए हमें, एक अब तक जीन एक्सप्रेस हो ही नहीं रहा, ठीक है। इट मीन देयर इज नो रोल ऑफ दिस जीन ड्यूरिंग फ्लावरेंट डेवलपमेंट, ठीक है। अगर हो रहा है लेकिन माइक्रो आरएनए का लेवल भी ज्यादा है, इट मीन ये जीन एक्सप्रेस हो रहा है लेकिन फोर भी सुप्रेस हो जाता है। ठीक है सर, समझ आ गई मुझे। अब इस कहानी में लोगों ने ना दोनों डायग्राम्स बनानी पड़ेगी, एक ये ट्रांसक्रिप्टोम का डाटा है ये वाला। अच्छा जिले जिले होगा, आप किस पे काम कर रहे हो? आरबीएच पे है मेरा। किसके ऊपर सर? क्यूकम्बर में। आपने भी ये एक्सपेरिमेंट करना है? कौन सा? ये जो मैं अभी इनको करवा रहा हूँ माइक्रो आरएनए वाला, ठीक है सर। ये आपने भी ये एक ये चीजें कर दी, ठीक है सर। ये आप ही साथ सीखे सर। अच्छा सर ये रिकॉर्डिंग आपने ये दो डाटा डाउनलोड कर दिया, एक रेडी हो तो मैं भेज दूंगा। अब आप भी सुने साथ, अब आपने ये दोनों जीन जो है ये एक ट्रांसक्रिप्टोम का डाटा और एक माइक्रो आरएनए का डाटा, ये दोनों डाटा आपने डाउनलोड कर लेना है। ये वाला फाइल ये मैं और एक नीचे वाली फाइल, ये दोनों फाइल अब आपने आइडेंटिफाई करनी है कि इसके अंदर जीन एक्सप्रेशन कितना है, उसका आप हीट मैप से बना लेंगे डाटा। फिर आप माइक्रो आरएनए का भी एक्सप्रेशन का भी हीट मैप बना लेंगे, ठीक है सर, ठीक है। और तीसरा टेबल ये होगा कि कौन से जीन किस कर रहा है, वो तीन टेबल बनेंगे इसके अंदर। सर तीन टेबल बनेंगे, एक जीन एक्सप्रेशन का, एक एमआईआरएनए वाला, और दूसरा कौन सा लास्ट वाला कौन सा? एक एमआईआरएनए का भी एक्सप्रेशन का डाटा भी मिलेगा, ठीक है सर। अगर फर्ज किया इसका ये जीन है ना, इसके अंदर एमआईआरएनए 122 जो है वो टारगेट कर रहा है इसको, ठीक है। अब हमें ये भी क्वांटिफाई कर लेंगे कि ये कितनी तादाद में एक्सप्रेस हुआ है, ठीक है। यानी कि जीन कितनी तादाद में एक्सप्रेस हुआ है, ठीक है। जीन कितनी तादाद में एक्सप्रेस हुआ, उसका माइक्रो आरएनए की तादाद कितनी है, ठीक है सर, ठीक है सर। ये सारा डाटा होगा फाइल में? नहीं लगी समझ? नहीं सर, मुझे समझ आ गई। सही है सर, समझ गए, ठीक हो गया। बाकी राबे आपको और आप दोनों को समझ आई इस बात की? जी सर आ गई है। अच्छा अच्छा अब ये देखे, अब पहले तो ट्रांसक्रिप्शन डाटा में देखता हूँ ये कैसे मालूम करना है आपको। पहले का जीन आईडी इन्होंने कहाँ से लिया हुआ है वो आपको मालूम करना पड़ेगा। अब ये वाला जो जीन आईडी है ना, मुझे लगता है ये कहाँ से लिया हुआ है, सीएसए ये चाइना से ही है, वो कुकर बिटा जिडोंग वही लगता वही से है ये वाला है डाटा। ये यहाँ पर ये कहाँ पर कुकुम्बर सेटिमस कुकुम्बर अंडरस्कोर V2 ये वाली वेबसाइट कौन सी है? ये है लेबोरेटरी ऑफ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी,
सर हम ये नहीं लिख सकते कि हमने एक क्यूकरविटा जीनोम से लिया तो उनके जीन आईडी ये हैं तो उनके जीन आईडी। ये भी देख लेता हूँ, क्यूकर बीटा जो दो भी अदरक ये आईडी हैं हम वेबसाइट का लिंक शेयर कर दें उन ये अगर साथ वो भी हम जीन ट्रू में आईडी। एक बार पहले ये हम बुक कर लेना कि इसका क्या ये इधर कौन सा V20, अगर हम इसका ब्लास्ट पी करें प्रोटीन टू यही है लगता है, इधर सही है। सर यहाँ तो CS वगैरह आ गया ना, हमारे तो CUS सीएसए इस तरह है जो एक सेशन नंबर है। सर ये हो सकता है कि हम सीएसए अपनी सिक्स है जी ना। हेलो, ओहो, सर सी ये है सिक्स, ये वही है। अब ये देखना, इसको क्लिक करना था। सर सीक्वेंस पेश की थी आपने। सर हाँ ओके सर। अच्छा, उच्च वाली ले लेते हैं, अब क्या है। एनसीबीआई में जाए हो, मगर नो आइटम फाउंड। तो हमारे अच्छा, लिए इसका प्रोजेक्ट लाभ क्या होंगे है सर। कि ये डिफरेंस है। वो थोड़ा सा काम था ग्राफ वाला, पहले वो करवा दें। ठीक मिनट, बस एक मिनट। है सर। अच्छा, अब ये है ना, ये जो है ना, यहां पर हम कैसे इसको तलाश कर सकते हैं कि आपका जीन आईडी कौन सा है। ठीक है, आप इस कंट्रोल ए करें, कॉपी करें, इसको टीवी टूल में लेके जाएं। ठीक है सर। वहां जाके ना आप इसको ब्लास्ट कर लें। ठीक है सर। ये सर हमने जो जिनोम जैसे कुकुम्बर ब्लास्ट करेंगे,
बेटा जिनोम से लिया वो वाला सेक्शन नंबर हमने ब्लास्ट करना। देखिए इसमें ना आपने टू सीक्वेंस सेट पे जाना है, यहाँ पर एक सीक्वेंस पेस्ट कर देनी है इधर सही, और दूसरी तरफ दूसरी सारी दूसरी तरफ। ठीक है सर समझ गए। एक बार जीनोम की सारी सीक्वेंस पेस्ट करनी है और एक बार एक साइटोसोम की। वो फाइटोसोम वाली जो आपकी सीक्वेंसेस है, हाँ जी वो एक पेस्ट करनी है जो तीन तीन चार जो है आपकी एट है जो भी है। अच्छा ठीक है सर, वो पेस्ट कर देंगे जैसे इस तरह हमने आर्थोलॉग कुछ किए थे। ठीक है सर, जैसे रेबिडोप्सिस के ऑर्थोलॉग्स निकाले थे जो सबसे ज्यादा पहले ऊपर आएगा वो फिर हमने। ठीक है सर इसके, लेकिन यहाँ पर हमने सीडीएस सीक्वेंस कर दिया है, इधर भी सीडीएस और उधर भी सीडीएस, ये मैं सीडीएस की है ना पेस्ट। चलिए ठीक है सर समझ गए, नहीं लगी समझ। नहीं सर आगे समझ, इन दोनों की सीडीएस सीक्वेंस पेस्ट करनी है और जो ऑर्थोलॉग आएंगे फिर वो ही हमने उसका एक सेशन नंबर साइटोसोम के एक सेशन नंबर दिया। एग्जैक्टली यही ये करके फिर आपने उसका जीन एक्सप्रेशन का डाटा जैसे एमसीबीआई जीओ का लिया है वैसे ले लेना है, और माइक्रो आरएनए का डाटा इन्होंने ले लिया है, लेकिन माइक्रो आरएनए का डाटा भी आपने फिर एक एक जो माइक्रो आरएनए इनका आइडेंटिफाई हुआ है फर्ज के ये है ना, इसके अंदर से इनका जो 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 माइक्रो आरएनए आइडेंटिफाई होगा जी सर फर्ज किया इसका इनका हुआ है, इसका हुआ है ये वाला, तो आपने ये सारा कॉपी पहले आपने ये ऊपर वाली सीक्वेंस कॉपी कर लेनी है। ठीक है सर, जो जो माइक्रो आरएनए आइडेंटिफाई हुआ वो भी इसका भी हीट मैप बना लेना है, उसका भी हीट मैप बना लेना, फिर एक तीसरा टेबल होगा जिसके अंदर ये लिखा होगा कि ये माइक्रो आरएनए इसका टारगेट ये ऑलरेडी इन्होंने बना लिया है वो। ठीक है सर, एक समझ आई, एक जीन एक्सप्रेशन का बनाना है, एक माइक्रो आरएनए का और एक माइक्रो आरएनए की सीक्वेंस का, यानी माइक्रो आरएनए ने कौन से जीन को टारगेट किया वो वाला इधर लिखेंगे। आप भी कुकरी काम कर रही हो ना? जी सर मैं भी उसको कमरे कर रही। आपने भी ये काम करना अपने डाटे के ऊपर। चलिए ठीक है सर, तो होपफुली जिले होगा आपको भी समझ आ गई होगी, तीनों को समझ आ गई होगी। जी सर थोड़ी थोड़ी आ गई, बाकी रिकॉर्डिंग लोकल में ठीक। चलिए ठीक हो गया, इसकी मैं अब रिकॉर्डिंग आपको ये जो सारा कुछ मैं आपको भेज देता हूँ, ये वाला आईडी शाईडी सबके पास होगी मुझे लगता है, आपके पास तो है ना, वैसे मैं दोबारा भेज देता हूँ। जिले हुमा ये हो गया, अब आप इसको काइंडली मैं इसकी वीडियो फिर करके तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक हो गया, अब आपका मैं ये वाली रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बंद, अब नया जो है